study of Cephalochordata. Cephalochordata is a sub phylum that belongs to the phylum chordata kyunki ye sub phylum uh, data, uh phylum chordata se belong karta hai that's why इसके अंदर जितने भी animals हैं उनके अंदर chordates वाली characteristics मौजूद होती हैं जैसे कि notochord, nerve cord, फ्रेंजियल slits और tail. अगर हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें और इसके जनरा के बारे में बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर बेसिकली दो जनरा हैं एम्फेक्सिस और एसमेट्रॉन विल टॉक अबाउट एम्फेक्सिस एम्फिकस ये वो वाला एनिमल है जो कि बिल्कुल फिश की तरह से नज़र आता है ट्रांसपेरेंट होता है नॉन पिगमेंटेड होता है और हम इसकी अगर कॉर्डेट्स वाली करटेरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें में नोटो और नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस करती है इसके अलावा फ्रेंजल स्लिट्स भी इसकी वेंट्रल साइट पर प्रेजेंट होती हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कॉर्डेट में है एम्फिक्सिस अभी हमने जो डिस्कस करना है वो एम्फिक्सिस के बारे में डिस्कस करना है एम्फिक्सिस लेंसियोलेटस के बारे में उसको हम कॉमनली लेंसलेट्स बोलते हैं जैसा कि इसके एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे आपने इसकी एक्सटर्नल कैक्टरिस्टिक्स देखी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं दोनों एंड इसके पॉइंटेड हैं इलॉन्गेटेड है और इसका साइज तकरीबन फाइव सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है अगर हम इसका एक क्लोज़ व्यू देखें तो इसमें हमें जो नोटोकॉड है आपको वो न देखने में नज़र आ रही होगी इसके एक एंटीरियर एंड है और एक इसका पोस्टीरियर एंड है एंटीरियर एंड पे वेंट्रल साइड पर यहाँ पर ओरल हुड होता है जिसमें माउथ प्रेजेंट है और उस माउथ के, -like के साथ ही यहाँ पर लाइक प्रोजेक्शन हैं जिसको सिराई बोलते हैं सिराई से वाटर एंटर्स इंटू दी गिल स्लिट्स और ये गिल स्लिट्स बिल्कुल फेरिंग्स के साथ ही मौजूद होती हैं फिर उसके बाद है इसका एट्रियोपोर का एक रीजन होता है जिससे वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है आपने देखा कि ये नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड दे आर प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सर्फिस ऑफ द एनिमल इसके अंदर इंटस्टाइन है और इसके अंदर गिल स्लेट्स हैं अगर हम गोनेट्स के बारे में बात करें तो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन दिस एनिमल कि गोनेट्स इसमें ट्वेंटी सिक्स पेयर्स के गोनेट्स होते हैं जो कि विच आर मेटामेरिकली अरेंज अलॉन्ग दी फेरेंगस रीजन जहाँ पे अभी हमने एट्रियोपोर की बात की थी एट्रियोपोर इट इज़ एन आउटलेट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर दैट कम्स आउट ऑफ द फेरिंग्स एज वेल एज गोनेड्स से जो गैमिट्स हैं वो भी एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं इसमें एक बहुत अहम जो कैक्टरिस्टिक है लेंसलेट्स के अंदर वो इनके फिनस की भी है जैसा कि इसके डॉर्सल फिन हैं इसका यहाँ पर डॉर्सल फिन इसको डॉर्सल फिन कह रहे हैं और यहाँ पर है इसका कॉर्डल फिन और इसी साइड पर ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको एनल फिन uh, बोलते हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं है बिकॉज दे आर लो एंड कंटिन्यूस इन स्ट्रक्चर बट दे आर प्रेजेंट अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर uh, है जिसको हम मसल्स बोलते हैं दीज मसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग दी नोटोकॉड रीजन यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है वो इसका हैबिट और हैबिटेट है यहाँ पर एक विजुअलाइज किया गया है कि ये वाटर में सैंडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और जो लैंड होते हैं दे हैव द पॉइंटेड एंड्स दे बरोम देमसेल्फ इन दी सैंडी इन्वामेंट वाइल प्रग आउट थ्रू देयर एंटीरियर एंड उनका माउथ पार्ट सैंड से बाहर होता है जब वो अडल्ट स्टेज पर होते हैं यहाँ से हमें पता चलता है कि जब लार्वे के बारे में हम बात करें तो इसमें लार्वा बिल्कुल फ्री स्विमिंग होता है और स्विम करके इसके फीडिंग मेकनिज़म होता है जबकि जब इनमें में मैटम और फोर्स होती है और ये अडल्ट स्टेज पे जब जाते हैं देन दे सेटल डाउन एट दी बॉटम ऑफ दी कोस्ट ऑफ दी ओशंस जब वो वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं तो उसका इंटीरियर एंड जो माउथ पार्ट होता है वो वॉट वो सेंड से बाहर होता है और वहाँ पर ही इसका माउथ है जहाँ से ये फिल्टर फीडिंग के थ्रू जो वाटर है और जो फीडिंग uh, ऑर्गेनिज़म्स uh, हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं और इस तरह से इनके अंदर ये मैकेनिज़म चलता है अब यहाँ पर दूसरी चीज़ लार्वी में इनमें इनमें सेटल डाउन होने की जो अडल्ट्स हैं ये सेटल डाउन इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो इनमें मसल्स भी चेंज uh, के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं और उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो अब यहाँ पर इनकी जो नोटोकॉड के साथ अटैच में मायोटोम्स हैं यानी कि स्केल्टल मसल्स हैं जो इसके उसकी वजह से ही ये रात में या डार्कनेस में सैंड से बाहर निकलते हैं और टेल की मूवमेंट के थ्रू और ये स्केल्टल मसल्स जो कि नोटोकॉड के साथ अटैच होते हैं उन मसल के थ्रू उनको यूज़ करके ये सैंड से बाहर निकलते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सफेलोकॉडेट्स हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं टोटली ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं साथ में पॉइंट uh, इनके हेड्स हैं पॉइंटेड एंड्स हैं तो ये बिल्कुल एक फ़िश की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है लेकिन ये फ़िशेज़ नहीं होती हैं अगर हमने इसके हार्ट के बारे में बात करें तो इसमें कोई ट्रू हार्ट नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि एक वेसल्स का सिस्टम इसकी बॉडी में मौजूद होता है इसमें एम सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट टिश्यूज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाकर गैसेस एक्सचेंज करते हैं